एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माय सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 का चैप्टर 8, जो कि आता है आपका हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है, ये इतना जरूरी तो नहीं है कि अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो हम जीवित ही ना रहे, ऐसा भी नहीं है। तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, ताकि एक स्पीसीज की आइडेंटिटी बनी रहे। अगर एक ही स्पीसीज होगी वर्ल्ड में, माना मैं अकेली ही एग्जिस्ट करती पूरी दुनिया में, इस पोर्शन वाले को तो पता होगा कि हाँ ये है कोई, बट कहीं और पता नहीं होगा। तो आइडेंटिटी बनी रहे एक स्पीसीज की, तो उसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी होती है। दो टाइप्स की रिप्रोडक्शन की, एक असेक्सुअल अनसेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आता है आपका, जैसे कि फिजन, जिसमें एक इंडिविजुअल प्रेजेंट होता है, असेक्सुअल वो ही, सेक्सुअल में दो इंडिविजुअल प्रेजेंट होते हैं। असेक्सुअल कौन सी की, फीजन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, फिर आपका बडिंग आ गया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन, इस टाइप की हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि दो इंडिविजुअल प्रेजेंट होते हैं, और क्या है, दोनों को मिलके एक इंडिविजुअल की न्यू बॉर्न होता है, तो ये वो होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या प्लांट में, एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम होती है? नहीं, प्लांट का सिस्टम अलग है, एनिमल का सिस्टम अलग है, ठीक है। तो उसमें रिप्रोडक्शन अलग टाइप की होती है, जो हमने डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग ऐसा है जिसमें, खुद को ऑब्जर्व करो, क्या है हमें, हमें ब्रेन पावर होती है सबसे ज्यादा, ठीक है। जो क्या होता है, ब्रेन है, इमेजिनेशन पावर, हर काम को करने की कैपेबिलिटी होती है ह्यूमन बीइंग में। तो क्या है, इनमें क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन? देखो, अगर सिंगल यही तो होगी, रिप्रोडक्शन नहीं होगी, न्यू नहीं बनेगा, तो कैसे आइडेंटिटी रहेगी, इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, वो हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, दो इंडिविजुअल थे, एक बना, ठीक है। अब देखो, ग्रोथ होती है, फिर जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी है, उसमें कंटिन्यू ग्रोथ होती रहती है। ग्रोथ कैसे होती है, थ्रू डिवीजन, सेल की डिवीजन होती रहती है और ग्रोथ होती रहती है। होता ना, छोटा बच्चा कितना होता है, इतना स्मॉल होता है, उसको पकड़ने में डर लगता है, धीरे धीरे बड़ा बड़ा बड़ा, फिर बड़ा, फिर एक टाइम के आने के बाद फिर ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है और फिर उसके बाद मर जाता है। कंटिन्यू प्रोसेस तो ये होता है, ठीक है। फिर अब देखिए, ग्रोथ हुई, डिवीजन हुई, आपने ऑब्जर्व किया होगा कुछ चीजें खुद में भी, जैसे कि पहले क्या होता है आपका, आप छोटे होते हो तो आपके कुछ चीजें, आप मैच्योर होते हो तो नई ग्रो होती हैं। जैसे कि आप छोटे थे, चाइल्ड थे, ठीक है, तो क्या था, आपके मिल्क टीथ थे, जिनके हम होते हैं मिल्क टीथ, जो क्या होता है, कमजोर होते हैं कंपेयर टू। फिर आप एडल्ट हुए, ठीक है, एडल्ट हुए तो आपके आए परमानेंट टीथ, जो अभी तक चलते हैं, ठीक है, और कितने होते हैं, 32। इसका फॉर्मूला 2 1 2 3, ये फॉर्मूला होता है ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। तो ये आ गया आपके चाइल्ड में, चाइल्ड में मिल्क टीथ होते हैं, वैसे ही। अब देखिए, ये कुछ चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनमें बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं, ठीक है। देखो, ह्यूमन है, ह्यूमन मतलब इंसान, इंसान में क्या है, दो करेक्टर आते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, वुमेन एंड मैन, दोनों में क्या होता है, कुछ करेक्टर, सम करेक्टर क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है, सम करेक्टर सेम होते हैं। और जैसे जैसे ग्रोथ होती है, कुछ करेक्टर्स में वेरिएशन आती है, तो वो ही मेन कॉज होता है आपके रिप्रोडक्शन का। अब देखिए, छोटे थे, सम करेक्टर सेम थे, जैसे कि आपकी इनोसेंसी, आपका बेसिक नेचर, आपकी बोलने का तरीका, सब कुछ आपको नहीं पता। फिर उसके बाद जैसे कि एनवायरमेंट का फर्क पड़ता है, बॉयज बॉयज बॉयज, गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स, उसके बेसिस पे अलग अलग, हमारी तो वही बन चुका है कि बॉयज का काम भी अलग, गर्ल्स का काम अलग, इतना ज्यादा सिस्टम चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर अब देखो, हम यहाँ सिर्फ रिप्रोडक्शन की बात करें, वही करेंगे, ठीक है। बस कुछ करेक्टर सेम होते हैं, जैसे बोलना, हाथ पांव नाक, हर चीज सेम होती है जब तक कि ग्रोथ हो रही है, ठीक है। फिर जब जैसे कि जैसे जैसे ग्रोथ होती है, तब क्या होता है, कुछ करेक्टर, जैसे कि जैसे कुछ टाइम तक, ठीक है, जब आप
कुछ एज तक है ग्रोथ हो रही है, सेम करेक्टर हो रहे हैं, जैसे कि हाइट, टीथ, आपके ईयर, नाइज, ऑर्गन, सब कुछ सेम है। बट जो कुछ करेक्टर है जब मेच्योरिटी की स्टेज में आते हैं, ठीक है, मेच्योरिटी की स्टेज में आ गए, या बोल सकते हो टीनेजर, ठीक है, टीनेजर, उसमें क्या होता है, टीनेजर में होता है जैसे कि मेल, ठीक है, बॉयज के करेक्टर अलग हो जाते हैं कुछ, एंड गर्ल्स के करेक्टर अलग हो जाते हैं। बॉयज के करेक्टर देखना, आवाज में चेंज हो जाता है, ठीक है, बोलने का तरीका देखना, बोले एकदम आवाज चेंज होगी, मोटी मोटी आवाज होती है, गर्ल्स की कंपेयर टू स्वीट होती है, तो बॉयज की आवाज चेंज होती है। उनमें रिप्रोडक्टिव, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो भी कहते हैं मेच्योर होते हैं, जैसे कि पैनिस आ गया, फिर आगे आपके हेयर्स की ग्रोथ होती है फेस पे, ठीक है, ये करेक्टर क्या होंगे, न्यू ग्रोथ होगी, ठीक है। अब कुछ करेक्टर जो सेम है बॉयज एंड गर्ल्स में, जैसे कि चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, हाइट चेंज हो रही है, जैसे जैसे कि ऑयल ग्लैंड्स, जैसे कि सिक्रेशन हो रही है ग्लैंड्स की, जैसे ऑयली स्किन हो रही है, पिंपल्स हो रहे हैं, वॉइस में चेंज, हाइट में चेंज, ये सब कॉमन चेंजेस है, बॉयज के चेंजेस कर लिए। अब देखिए गर्ल्स के चेंजेस, जैसे कि आप इस चार्ट में देख रहे हो क्या क्या है। अब जैसे जैसे गर्ल्स में मैच्योरिटी होती है तो उनमें एक सिस्टम आता है जैसे कि मैच्योरेशन, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, जिसमें हर महीने का साइकिल होता है, 28 डेज का साइकिल होता है, मेंस्ट्रुएशन मेन कॉज होता है, फिर ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होता है, आपके हेयर्स ग्रोथ होते हैं, ठीक है, और ये कुछ अलग चेंजेस जो गर्ल्स में होते हैं, बॉयज के अलग चेंजेस हैं, कुछ कॉमन चीजेस हैं जो ग्रोथ होती होती है। बट ये बात याद रखना, जब बॉयज एंड गर्ल्स तो है बट ये इंडिविजुअल भी है ना, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब अब एक गर्ल एंड गर्ल का कंपेयर देखो तो उनमें ग्रोथ डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में होगी, मतलब जो ग्रोथ होगी नॉट अ सेम, ठीक है, ग्रोथ होगी हमेशा दो इंडिविजुअल में ऐसा नहीं होगा कि इसका आज 10, ये अब 15 साल की होगी, 15 साल 10 दिन की हुई तो दूसरी भी 15 साल 10 दिन में ही वो ग्रोथ उसमें शो होगी, ऐसा नहीं होता। किसी में ग्रोथ पहले हो जाएगी, किसी में कम होगी, डिपेंड ऑन द कि उसको कैसे एनवायरमेंट में है, कैसा नर्चर है, कैसा नेचर है, उसके बेसिस पे वो क्या आता है, उसमें ग्रोथ अलग अलग होती है। बट अलग अलग पर्सन है, अलग अलग, बट एक चीज ऑब्जर्व करनी है, जैसे कि ग्रोथ हो रही है फिर क्या हो रहा है, ग्रोथ होगी तो यूनिफॉर्म पैटर्न, ग्रोथ क्या है, यूनिफॉर्म पैटर्न में होती है। यूनिफॉर्म पैटर्न कैसे, देखो ह्यूमन बींग है, मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म है, अब कोई भी चीज है प्रॉपर ग्रोथ होती है, जैसे कि बच्चा जैसे कि बनता है, फोटस है, उसके बाद बन रहा है, बड़ा बड़ा ग्रोथ हो रही है, ठीक है, फिर क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म पैटर्न, मतलब आपका कुछ चीजों का, अब देखना ऑब्जर्व करना कि आपके हैंड की शेप ऐसी ही होगी, दूसरे हैंड की भी शेप ऐसी होगी, नोज की शेप इसी टाइप की होगी, यही चीजें होंगी उसमें, बट ये होगा स्मॉल स्मॉल चेंजेस हो सकते हैं किसी वजह से, ठीक है, डीएनए जैसे इनहेरिटेड मटेरियल आता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है पुराने करेक्टर्स आते हैं तो उनके बेसिस पे स्मॉल स्मॉल चेंज होते हैं, बट क्या है, यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, ऐसा नहीं कि आपका हैंड ज्यादा ग्रो कर गया, एक हैंड छोटा रह गया, या अब हम यहाँ पे सिर्फ वो बता रहे हैं कि अब जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है तो क्या अलग करेक्टर आते हैं, जैसे कि ग्रोथ यूनिफॉर्म होगी, जैसे कि अगर माना बॉयज में हेयर की ग्रोथ हो रही है तो हेयर की ग्रोथ हो रही है तो वो यूनिफॉर्म पैटर्न में होगी, ऐसा नहीं होगा कि इस साइड ज्यादा हेयर आ गए, इस साइड कम, बिल्कुल ही कम हो गए, तो कैसे लगेगा, कितना अजीब लगेगा देखने में ही, तो वैसा हो रहा है कि पूरी यूनिफॉर्म, पहले स्मॉल 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 हेयर पूरे फेस पे आने लगेंगे, धीरे धीरे उनमें ग्रोथ होगी, तो यानी यूनिफॉर्म पैटर्न, ऐसा नहीं कि एक साइड से बढ़ गया एक साइड से कम रह गया, इससे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो ग्रोथ क्या है, एक यूनिफॉर्म पैटर्न में होती है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर अब जैसे जैसे मैच्योरिटी होती है तो जो जर्म सेल है, ठीक है, वो ग्रोथ होते हैं, ठीक है, जैसे जैसे मैच्योरिटी हो रही है, ठीक है, ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो जर्म सेल है उनकी ग्रोथ हो रही है, मेल में अलग है, फीमेल में अलग है, तो उसमें क्या होता है, देखो मेल, देखो कुछ एज तक क्या होगी, कुछ एज तक ग्रोथ कंटिन्यूस होगी, ठीक है, कंटिन्यूस, बट आप ऑब्जर्व करना मैच्योरिटी पे, मैच्योर होंगे, मैच्योरिटी जब आएगी
तब आपके क्या होगी, आपकी ग्रोथ होगी कैसी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जब मैच्योर होंगे तब वो क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। ऐसे तो ग्रोथ हो रही है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, पर जब मैच्योर होगी तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर होंगे तब रिप्रोडक्शन होगी, ठीक है। टीनेजर में सिर्फ ग्रोथ हो रही है, जब वो मैच्योर हो जाएंगे जर्म सेल आपके, तो वो आती है आपकी एडोलेसेंस, ठीक है। एडोलेसेंस या आप उसको बोलोगे पुबर्टी, ठीक है। क्या बोलोगे, प्यूबर्टी, मतलब ड्वेल्प होगी। मैच्योरिटी पे आपकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, एक टाइम पे आ रहा है कि ग्रोथ प्रॉपर हो रही है, उसके बाद उनमें मैच्योरिटी आ रही है। मैच्योरिटी मतलब परिपक्वता बोलते हैं, जैसे कि आप उसमें जैसे कि स्टेबिलिटी आ गई, ठीक है, मैच्योर होगी, इसमें स्ट्रेंथ आ गई, मैच्योर होगी, ग्रोथ अब थोड़ी टाइम के लिए रुक गई है, ठीक है। टीनेजर थी, ग्रोथ कंटिन्यू हो रही थी, स्मॉल चेंजेस हो रहे थे, पिंपल्स आते हैं, कई घबरा जाते हैं क्या, तो इन चेंजेस के बारे में पता होना चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं। अब ये मत सोचना कि इसकी दाढ़ी जल्दी आ गई, इसकी कम आई, तो मैं तो शायद इतना ग्रो नहीं कर पा रहा, मेरे में पता नहीं क्या दिक्कत है, ऐसा मत समझना। इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, किसी में ग्रोथ पहले होती है, किसी में ग्रोथ कब होती है, ठीक है। तो क्या है, जब मैच्योरिटी होती है तो क्या हो रहा है, एडोलेसेंस, वो जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरे मैच्योर हो जाते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब मैच्योर हो जाते हैं तो वो क्या करेंगे, जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर हो गए तो वो कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। रिप्रोडक्शन मतलब न्यू जो जनरेशन थी उनको बनाने में हेल्प करना। अब ये कब होता है, ठीक है, जब मेल एंड फीमेल, इनमें जो मेल करेक्टर है, जैसे कि मेल में आ गया आपका जैसे कि पेनिस की मैच्योरिटी, एंड फीमेल में आ गया यूट्रस की मैच्योरिटी, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, जैसे कि अब बर्थ देने के लिए मिल्क सिक्रीशन होना, वो एक एज के बाद होती है, ठीक है। अगर उससे पहले अगर इन चीजों में पड़ जाए तो बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो क्या है, मेल में अलग करेक्टर है ये, फीमेल में अलग करेक्टर होंगे। जब जर्म सेल मैच्योर हो जाएंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर होंगे, तो जर्म सेल जब मिलेंगे दोनों पे, तब फॉर्मेशन होगी न्यू इंडिविजुअल की, ठीक है। न्यू वन तब बनेगा जब दोनों के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे वो मैच्योर हो जाएंगे, और मैच्योर के बाद आपका न्यू जो सिस्टम था वो, न्यू जो ऑर्गेनिज्म था वो डेवलप होगा, न्यू वंस डेवलप होगा। और ये कब होगा, जब मैच्योरिटी आ जाएगी, ठीक है, ठीक है, समझ गए। अब इनमें जो इस प्रोसेस में है, जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है एंड फीमेल का ऑर्गन क्या है, देखो हर काम के लिए अलग अलग टाइप के आपके सिस्टम बना है, जैसे कि रेस्पिरेशन के लिए आपके लंग्स हैं, खाना खाने पचाने के लिए स्टमच है, फिर आ गया आपका एक्सक्रीशन के लिए आपका किडनी आ गई, वैसे ही वो कॉमन है सब में भी फीमेल में ही, बट रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के लिए मेल में अलग आते हैं फीमेल में, और ये इंटरकोर्स के टाइम क्या होंगे, इकट्ठे होंगे और न्यू वंस की ग्रोथ होगी, ठीक है, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम अब इसमें करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, जो हेल्प करता है किसके लिए, आपकी न्यू वन की ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। वन बाय हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, ये क्या होगा, इसमें मेल में जो रिप्रोडक्टिव, जिससे जर्म सेल, ठीक है, जो जर्म सेल था वो रिलीज होगा, ठीक है, इसका जर्म सेल रिलीज होगा, फिर फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट था उसमें फीमेल जर्म सेल प्रोड्यूस होगा। जब दोनों के जर्म सेल मिलेंगे तब क्या होगी, फॉर्मेशन होगी न्यू वन की, ठीक है। अब ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन आएगा, कौन हेल्प करेगा, देखते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देखिए क्या है, आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जैसे कि आ गया आपका पेनिस, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, एब्डोमेन के पास प्रेजेंट होता है, और उसके साथ में प्रेजेंट होता है टेस्टिस, टेस्टिस के कवरिंग होती है स्क्रोटम। अब स्क्रोटम क्या हेल्प करता है, स्क्रोटम जो आपका आ गया, स्क्रोटम ये हेल्प करेगा टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए स्क्रोटम हेल्प करेगा। जो टेस्टिस था, ठीक है, जो टेस्टिस है, टेस्टिस वो क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा,
जो क्या करेगा, एंश्योर करेगा कि क्या चीज है आपकी, कि प्रॉपर सब कुछ फंक्शनिंग हो, मैच्योरिटी आए, उसमें कौन सा हार्मोन काम करेगा, टेस्टोस्टेरोन फीमेल में, ओइस्ट्रोजन, ठीक है, अलग अलग में अलग अलग होते, कुछ कॉमन होंगे, कुछ क्या होंगे जो मेन इनके फंक्शन के लिए होते हैं, तो वो आ गया टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टिस से सिक्रीट होता है। स्क्रोटम क्या हो गया, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। अब ये प्रोसेस कैसे होता है, अब देखिए वासा डिफरेंस था, उससे क्या हुआ, आपका जो आपकी जो था मतलब जो प्रोसेस करेगा, ठीक है, स्पर्म रिलीज होता है, जर्म सेल कौन सा आ गया, स्पर्म, ठीक है, स्पर्म आ गया, तो ये रिलीज होगा थ्रू, देखो ये रिलीज होगा जैसे कि वास डिफरेंस, ठीक है, इसके जो स्पर्म होगा वो रिलीज होगा थ्रू वासा डिफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया के बाद आपका जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, कहां जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, फिर उसके बाद जाएगा यूरिथ्रा में, ठीक है, जो यूरिथ्रा है ये क्या है, कॉमन पैसेज है आपके स्पर्म रिलीज का एंड साथ में यूरिन रिलीज का, ठीक है, कौन है, यूरिथ्रा, क्लियर हो गया। अब देखिए कुछ जो ग्लैंड है इस प्रोसेस में हेल्प करेंगे, क्यों हेल्प करेंगे, अब देखिए जैसे कि आ गया आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, एंड आपका आ गया साथ में कौन सा, एक आ गया प्रोस्टेट ग्लैंड एंड आ गया सेमिनल वेसिकल, ठीक है, ये क्या हेल्प करेगा, जो ल्यूब्रिकेशन, ठीक है, ये प्रोसेस है, ये प्रॉपरली हो जाए सब कुछ, तो उसमें क्या होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड आपका सेमिनल वेसिकल हेल्प करेगा, उसमें जो आपका स्पर्म रिलीज होगा, ठीक है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, उसमें जैसे कि फ्रक्टोज, ठीक है, आपका प्रोटीन्स, ठीक है, और कुछ हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, और स्पर्म साथ में होंगे, ठीक है, तो ये रिलीज होता है, जो ग्लैंड्स हैं ये हेल्प करेंगे इस प्रोसेस को, क्लियर हो गया, पिक्चर में भी क्लियर हो गया। फिर आता है आपका नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट समझ आ गया, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अब देखेंगे हम, फीमेल, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये भी समझेंगे फर्टिलाइजेशन कब होगी। अब देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिक्चर में देखो, ठीक है, आपका ओवी है, फैलोपियन ट्यूब है, फिर आ गया आपका यूरेटस, ठीक है, यूरेटस, फिर आ गया आपका वेजाइना, ठीक है। अब देखो यूरेटस कब ओपन होगा, ठीक है, वेजाइना के थ्रू क्या होगा, आपका सर्विक्स जो ओपनिंग करेगा आपका वेजाइना एंड यूरेटस में, ठीक है। अब देखिए, देखो हर महीने मंथली, ठीक है, मंथली की बात की जाए तो फीमेल में एक होता है मेंस्ट्रुएशन साइकल, मेंस्ट्रुएशन होती है हर महीने। अब देखिए मेंस्ट्रुएशन होती है हर 28 डेज बाद होगी, ठीक है, अगर जब जर्म सेल मिल जाए, ठीक है, मेल जर्म सेल एंड फीमेल जर्म सेल मिल जाए तो क्या होती है, तो हो जाएगी फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगी जिसमें मेल और फीमेल मिल गए और क्या होगा, फिर ओवरी रिलीज नहीं होगी तो जायगॉट बन गया, ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन होगी तो जायगॉट बन जाएगा, जायगॉट से एम्ब्रियो बन जाएगा, फिर बन जाएगा आपका फोइटस, ठीक है, फिर न्यूबॉर्न बेबी पूरा बन गया, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये कहाँ होता है, वुमेन्स के अंदर होता है, ठीक है, तो जो पिक्चर में देखो जो आपका कौन है, चाइल्ड है बीच में, ठीक है, वो क्या है, उसको कवरिंग है किसकी, प्लेसेंटा की, जो क्या करेगा, उसको पूरी प्रोवाइड करवाएगा न्यूट्रिशन, उसके बाद क्या है, उसके बाद यूरेटिन वॉल है, ठीक है, उसमें विलीज है, जो विली है वो क्या करेगी, इंक्रीज करती है सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होगा, अब देखिए सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी, ज्यादा न्यूट्रिशन होगी, ठीक है, समझ गए। अब देखो प्लेसेंटा के अंदर फोइटस है, फोइटस क्या कर रहा है, उसमें भी तो वो न्यूट्रिशन ले रहा है, उसके बाद उसमें भी वेस्ट निकल रहा है, तो वो वेस्ट क्या होता है, डायरेक्टली मदर के ब्लड में निकल जाता है और वहां से क्लियर हो जाता है, ठीक है, डायरेक्टली, ठीक है, तो मदर क्या होगी फिर न्यू, जब अब ये प्रोसेस आता है 9 मंथ में, ठीक है, 9 मंथ जो होती है
वो टाइम लेती है किसी अब बच्चे को प्रॉपरली ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। पहले जैसे कि हेड, फिर हैंड्स, फिर ब्रेन, मतलब ऐसे प्रोसेस होता है पूरा, ठीक है। उसमें डेवलप होता है, 9 मंथ रहते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगी यूटराइन वॉल की, जिससे कि न्यू बॉर्न बेबी आपका मिल जाएगा। क्लियर हो गया? फर्टिलाइज जाएगा और एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फोइटस बन गया, ठीक है। ये कहाँ होता है? प्लेसेंटा, वुमेन के अंदर होता है। कब होता है? जब मेल एंड फीमेल जर्म सेल मिल जाते हैं, तब वो प्रोसेस आता है आपका फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या है? ये प्रोसेस आ गया, ठीक है। मेल, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी देख लिया हमने, ठीक है। वेजाइना कहाँ? यूट्रस में ओपन होता है थ्रू सर्विक्स। क्लियर हो गया? फिर अब नेक्स्ट बात आती है, अगर क्या होगा अगर आपकी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी? व्हाट हैपन व्हेन एग नॉट फर्टिलाइज, ठीक है, नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर फर्टिलाइजेशन होगी, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो क्या होगा? तो वही प्रोसेस हर मंथ, मंथ में क्या होगा? आपका रिलीज होगा 1 egg, और जिससे क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन साइकिल चला रहेगा, ठीक है। अगर ठीक है फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो वही प्रोसेस होगा। अब देखना, जो गर्ल बॉर्न होती है उसमें ऑलरेडी पहले से ही ओवरी में बहुत ज्यादा एग्स होते हैं, हर महीने एक एग रिलीज होता है। तो ये एग एक रिलीज होता है, उसमें ब्लीडिंग होती है, जिस साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। तो क्या होता है? हर 28 डेज बाद आता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, ठीक है, कहाँ पे होती है? आपके किस में हो रही है? आपकी फैलोपियन ट्यूब में। अगर नहीं होगी तो क्या होगा? तो अगेन मेंस्ट्रुएशन साइकिल हर मंथ चलता रहेगा जब तक ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? फिर आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब देखो, हमने किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल हेल्प करते हैं। मेल में, ठीक है, आपका कौन हेल्प करता है? अलग अलग सिस्टम होते हैं। फिर अब सेक्सुअल हेल्थ से क्या समझते हैं? सेक्सुअल हेल्थ मतलब अब रिप्रोडक्ट या सेक्सुअल हेल्थ या रिप्रोडक्टिव हेल्थ लिखे, डायरेक्टली अच्छा लिखना हो आपने तो आप क्या लिखोगे? रिप्रोडक्टिव, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब, अब देखिए, हमने अभी स्टडी किया कि मैच्योरिटी में क्या होता है, एक मैच्योर स्टेज आएगी जिसपे क्या होगी, पूरी सब कुछ प्रोसेस होता है, ठीक है। मैच्योर एडोलेसेंस स्टेज में, जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की मैच्योरिटी होती है, तब ये कोर्स करें, मतलब जब इंटरकोर्स प्रोसेस है, मतलब चाइल्ड बर्थ के लिए, ठीक है, तो वो बेस्ट टाइम होता है। बट देखो सोसाइटी को देखो, ठीक है, दोस्तों के प्रेशर में या फैमिली वालों के प्रेशर में कि हाँ कर लो, शादी कर लो, चाइल्ड कर लो, बट व्हाट अबाउट जैसे फीमेल बर्थ देगी तो उसमें क्या होगा? अब देखिए, जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात की गई, अगर फीमेल मैच्योर नहीं है, ठीक है, मैच्योर नहीं है गिव बर्थ, तो उसकी हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। तो अब देखो सोसाइटी का क्या प्रेशर होता है? सोसाइटी का प्रेशर होगा कि नहीं, ज्यादा चाइल्ड नहीं होना चाहिए। फैमिली वालों का प्रेशर हो गया, शादी कर लो, बच्चे कर लो। फिर अब देखो, अगर फीमेल रेडी नहीं है इस प्रोसेस के लिए कि वो न्यू बर्थ दे सके किसी को, तो उसकी हेल्थ पे तो बहुत फर्क पड़ेगा, देखो। और जो इंटरकोर्स है इसमें, उसमें बहुत टाइप की डिजीजेस भी होती हैं, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत जरूरी है। अब देखिए, जो आपकी आगे जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि आगे आपका गोनोरोहिया, ठीक है, साथ में आ गया सिफिलिस, ठीक है। अब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, कब होती है? सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो ये भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आता है, इसका भी ध्यान होना चाहिए। अब एक वायरल, ठीक है, वायरल जो इन्फेक्शन होता है वो मेन आता है, जैसे कि एड्स, ठीक है, एड्स आता है जो किसकी तरह होता है? HIV के थ्रू। अब जो इसमें मेन पूछा जाता है, एड्स किसके थ्रू होता है, कौन सा वायरस है? HIV वायरस, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें
इंसान मर तो जाता है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, ठीक है, तो ये मेन प्रॉब्लम आ जाती है। अब मैन आपकी फीमेल रेडी नहीं है गिव बर्थ देने के लिए, तो उसमें क्या होगा, वो खुद भी तैयार नहीं होगी, तो उसमें मैच्योरिटी नहीं है, क्योंकि वो अब यंग वन को देना है ग्रोथ, तो इतनी ज़्यादा हार्मोनल चेंज होते हैं। अब इतने हार्मोनल चेंजेस के लिए अगर रेडी नहीं है तो फीमेल की हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ेगा। अब देखिए, जो इंटरसेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन कैसे होता है, कौन कौन से होंगे, जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, ठीक है, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, अगर एक पर्सन को होगी, ठीक है, माना एक मेल को होगी तो फीमेल को हो जाएगी वाली डिजीज, अगर फीमेल को है तो मेल को हो जाएगी, तो ये क्या कब होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम, ठीक है। तो जैसे क्या कि वायरल, ठीक है, वायरल एचआईवी एड्स वायरस, ठीक है, तो ये मेन होती है। अब ऐसा ना हो हम रेडी नहीं है तो आप न्यू बर्थ नहीं देना है तो क्या कर सकते हैं, तो हम यूज करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, ठीक है। क्या करेंगे, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। अब ये क्या चीज है, देखिए मेथड, ठीक है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अब ये क्या चीज है कॉन्ट्रासेप्शन, अगर माना न्यू बर्थ देने के लिए रेडी नहीं है तो हम अलग अलग मेथड यूज करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन का। कैसे कैसे देखते हैं, एक आ गया जैसे कि नेचुरल मेथड, ठीक है, एक आ गया नेचुरल, ठीक है, नेचुरल मेथड वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सेकेंड आया आपका मैकेनिकल मेथड, ठीक है, मैकेनिकल मेथड। फिर आ गया आपका केमिकल मेथड, ठीक है, केमिकल मेथड। फिर आ गया आपका IUCP, ये क्या आ गया, इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोसेस, ठीक है, ये आ गया। फिर आ गया आपका सर्जिकल मेथड, ठीक है, ये आ गया आपका सर्जिकल मेथड। नेचुरल मेथड का मतलब देखो, एक टाइम होता है जैसे कि आपको क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है फीमेल्स में, एक पीरियड्स आता है कि उसमें अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करें तो बर्थ नहीं होगा, ठीक है, तो वो आ गया पर नेचुरल मेथड बैरियर होंगे, ठीक है। मैकेनिकल बैरियर में क्या यूज करेंगे, जैसे कि अब मेल में जो मेल यूज करेगा जैसे कि कॉन्डम, जिससे क्या होगा, अब इससे कॉन्डम सो है उससे क्या होता है, बच भी सकते हैं, किस चीज से, आपकी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस से, ठीक है। फिर फीमेल में यूज करते हैं जैसे कि सर्विकल कैप, ठीक है, ये यूज किया केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में आप यूज करते हो पिल्स, ठीक है, पिल्स अलग अलग टाइप की आ जाती है, जैसे हिमालयी, सहेली, बहुत टाइप्स की पिल्स आ जाती हैं, जो क्या करती हैं, कॉन्ट्रासेप्शन मतलब मेथड, मतलब रोकने के लिए, ठीक है। फिर IUCD जो क्या हो गया, इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्शन प्रोसेस, इसमें कौन कौन से आगे, इसमें आगे आपके एक आ गया लूप, एक आ गया आपका कॉपर डी, ये क्या होता है, इंसर्ट की जाती है आपकी फीमेल में, जिससे क्या होता है आपकी जो प्रोसेस होगा बर्थ नहीं होगा, ठीक है। बट ये क्या होता है, कई बार इरिटेटिंग होती है, ठीक है, इससे, बट इससे वो नहीं है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज इजीली हो जाती है, ठीक है। फिर आते हैं सर्जिकल मेथड, इसमें क्या किया जाता है, इसमें आपका जो आपको जैसे कि मेल है, मेल में जो वासा डिफरेंस है उसको कट कर दिया जाता है, ठीक है। मेल में क्या प्रोसेस होता है, मेल में वास जो डिफरेंस है उसको कट कर दिया जाता है, जिसको बोला जाता है वास एक्टोमी, ठीक है। और फीमेल में आपका क्या जाता है, फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं ट्यूब एक्टोमी, ठीक है सर्जिकल मेथड, ठीक है, क्लियर हो गया। मेल में क्या किया जाता है, जिसे क्या होगा, कट कर दिया जाएगा, वो मिलेगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं, ठीक है, जिससे क्या होगा आपका जैसे कि नया, जैसे बोलते हैं ना पॉपुलेशन ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, तो इन सब के लिए यह सब मेथड यूज किए जाते हैं। कौन कौन से, नेचुरल मेथड जिसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल देखा जाता है कि इस टाइम को एज टाइम आता पीरियड आता है कि इससे इस टाइम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। फिर आ गया मैकेनिकल बैरियर, मेल में कॉन्डम यूज किया जाता है, फिर में फीमेल में सर्वाइकल कैप यूज की जाती है,
केमिकल मेथड से पिल्स, मालाडी, सहेली, फिर आ गया IUCP जिसमें लूप एंड कॉपर टी, फिर आ गया सर्जिकल मेथड मेल में वासा डिफरेंसिया जिसको बोलते हैं वासेक्टोमी एंड फीमेल में ट्यूबेक्टोमी, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये तो है मेथड ऑफ ए कॉन्ट्रासेप्शन जिसमें क्या होगा कि न्यू बर्थ को रोका जाता है। क्यों रोका जाता है, क्यों जरूरी है? अब देखो, नए नए ज्यादा ज्यादा हो गए तो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, अब इतनी पॉपुलेशन को प्रॉपरली नीड सब कुछ प्रोवाइड करवाना मुश्किल होता है, इसलिए स्पेसिफिक इनको रोकने के लिए, ठीक है, ज्यादा प्रोडक्शन ना हो, लिमिटेड हो, ठीक है, बोलते हैं ना हम दो हमारे दो, ठीक है, वो नारा होता है, वो नारा लगाया जाता है कि ज्यादा नहीं हो, ज्यादा होगी तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी तो सबको इतनी जितनी नीड चाहिए वो पूरी नहीं होगी, ठीक है। ये तो आ गया आपका मेथड ऑफ ए कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया, रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्सुअल में मेल एंड फीमेल, ठीक है, जो ह्यूमन बींग है, आपका प्लांट्स में भी ऐसा ही है, जो मेल पार्ट है उसको क्या बोला जाता है, स्टैमन, एंड फीमेल पार्ट है उसको बोला जाता है आपका क्या, कपल या पिस्टल, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसके साथ होता है आपका चैप्टर फिनिश। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हो, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके इंडेक्स के क्वेश्चन, उससे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें करेंगे हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, फिर हो जाएगा आपका ये चैप्टर फिनिश, ठीक है। तो अगर डाउट है तो पूछ लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चंस के साथ, तब तक प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।